एकदम से मत डालिएगा, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके डालिएगा। तो देख सकते हैं आप, हमने पानी भर लिया है। आप लेवल देख सकते हैं हमने पानी कहाँ तक भरा है। आप चाहे तो इसको पूरा लेवल भी पैक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तब कीजिएगा जब मछलियाँ जो आपके पास है वो पुरानी हो गई है। पुरानी मछलियाँ जो होती है इस नेचुरल में, इस हैबिटेट में सेटल हो जाती है, लेकिन नई मछलियाँ क्या होती है, अगर आप पूरा ऊपर तक पानी भर दोगे तो छलक के बाहर आ सकती है, जो फिर आपकी मछलियाँ कम होती जाएगी वो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए दिख रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। मुझे नहीं पता आपको ऊपर से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर से बहुत सुंदर दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्नेल्स वगैरह भी तैर रही हैं, ये मैंने स्नेल्स वगैरह भी डाल दिए थे। ये हालांकि सूखे हैं, आप चाहे तो नेचुरल भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ये मैंने कोल डाला है, ये चारकोल जो है ये इसलिए डाला गया ताकि पानी जो है वो साफ रहे, काफ़ी दिन तक चल सके। ठीक है, आप चाहें तो दो दिन और डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये देखिए, ये अब हम हमारी बारी है कि हम क्या करेंगे, इसमें फिश डालेंगे। फिश डालने का भी क्या होता है, तरीका होता है। आप ऐसे हाथ से उठा के इसमें फिश नहीं डाल सकते, आप क्या यूज़ करना है, ये नेट यूज़ करना है। क्यों, हम फिश को डायरेक्ट हाथ उससे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमारे हाथ में भी क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। अब ये बैक्टीरिया जो होता है ये फिश से कर सकता है, ख़राब कर सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस नेट का यूज़ करेंगे। हम इस नेट को हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे और हम ये देखिए, ये एक फिश निकाला, ये बेटा फिश है यानी ये फाइटर फिश, इसको हम धीरे से क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे ऐसे करके हम। तो आप ये देख सकते हैं हमने क्या कर लिया, इसमें मछलियाँ पूरी डाल ली। ये देखिए काफ़ी मछलियाँ इसमें सुंदर दिख रही है। ये आपके घर में रहेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक चीज़ आप गलती मत कीजिएगा कि इस पूरे पॉट को एकदम शेड वाली जगह में मत रखिए, क्योंकि इनको सनलाइट की ज़रूरत होती है। अब इनको सेमी शेड में या ब्राइट सन में भी रह सकते हैं, लेकिन ब्राइट सन में दिक्कत हो जाएगी कि इसमें काई डेवलप होना चली जाएगी, बहुत ज़्यादा काई डेवलप होना चली जाएगी, वो आपको क्या करेगी, नुकसान पहुँचेगी। तो आप उसको सेमी शेड में रखिए, अपने मौसम में ये फूल भी देगा, नहीं तो ऐसे में भी ये काफ़ी सुंदर काम करेगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि बच्चे जो है घर में जो मेहमान आएंगे उनको काफ़ी ज़्यादा क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा और ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपने देखा कि हमने फिशेस में डाल दिए, बहुत सुंदर दिख रहा है। हमने फिशेस थोड़ी कम डाली है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, मैं फिशेस और नहीं लेके आ पाया, जितनी मेरे पास थी उतनी मैंने क्या किया, उससे मैनेज किया। अब चाहे तो और फिशेस डाल सकते हैं, 10 डालिए 15 डालिए कोई दिक्कत नहीं है। और हम एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि कौन कौन से टाइप की फिशेज आपको डालनी है। जनरली आप इसमें या तो मौली और गप्पी एक साथ डाल सकते हैं, ये मार्केट में मिल जाएगी आपको मौली और गप्पी। और आपको एक चीज़ बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि जो टेट जो क्या बोलते हैं, इसमें हमने बेटा फिश डाली है, ये जो फाइटर फिश डाली है, ठीक है, ये जो होती है ये टेरिटोरियल फिशेज होती है, यानी कि ये दो एक साथ नहीं रहती। तो आप कोशिश करेगा कि बेटा या जो फाइटर फिश है वो सिर्फ बस एक ही डालेगा, ये बाकी ऐसा रह जाएगी, छोटी मछलियों को नुकसान पहुँचाती है तब जब ये छोटे सी जगह मिलती है, ये बहुत बड़ा जगह है इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, और हम देखते हैं कि आप इसमें बाहर जो एकदम देसी फिशेज होती हैं, मतलब कि तालाब गए तो पकड़ के ले आया उसको इसमें डाल दिया, एक या दो ही डालिए, ज़्यादा मत डालिए तो बाकी फिशेज का कर देगी, नुकसान पहुंचाएगी। और बेहतर होगा कि मत ही डालिए, या तो आपको देसी फिशेज रखिए तो देसी फिशेज भी रखिए, या तो एक्वेरियम वाली रखिए तो एक्वेरियम वाली रखिए, तो ये बेटर होगा। एक्वेरियम बनाया है, इसमें एक बहुत ही अच्छी बात यह होती है कि आपको इन फिशेज को दाना ही डालना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू फीड दिस फिशेज, दे विल फीड बाई themselves, मतलब कि इसमें जो काई होता है वही क्या कर लेगा, मछली इसको खा कर लेगा, सर्वाइव कर लेगा। एक बहुत ज़रूरी बात, जब आप इसको महीने दो महीने में साफ करेंगे, जो पानी निकलता है उसको फेंकिएगा मत, उस पानी में बहुत सारा अमोनिया और यूरिया रहता है जो कि मछलियों के वेस्ट से मिलता है, वो एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर रूप में क्या करता है, काम करता है। ये सेम टेक्निक क्या यूज़ की जाती है, एक्वापोनिक्स में टेक्निक यूज़ की जाती है। एक्वापोनिक्स क्या होता है, एक ब्रीफ बता देता हूँ मैं आपको, इसमें हम वेजिटेबल्स या जो भी हमको जरूरी चीज़ें खाने पीने की जो पेड़ पौधे होते हैं वो हम क्या करते हैं, लगाते हैं, और जो इसमें हम फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं, मछलियों से ही जो फर्टिलाइजर मिलता है उसी को हम बार बार करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, और इससे पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ एक्वापोनिक्स के बारे में तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। अभी हमने नेचुरल एक्वेरियम बना लिया है। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, अगर आपके घर में टर्टल्स हैं, छोटे टर्टल्स हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं, आप इसमें रख सकते हैं। छोटे टर्टल मतलब ये 2 इंच के, 4 इंच के होंगे, 5 इंच के होंगे, आप उसको कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, एक रखिए है, इस साइज़ में तो एक ही रखिए, और छोटा हो तब रखिए, क्योंकि टर्टल्स जो होते हैं वो फिशेस खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डैमेज कर जाएगा, तो आप क्या करिए बड़ा कीजिए, और हाँ उसमें आपको टर्टल कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी क्या कर लेगा, अपने आपको नेचुरली फीड कर लेगा। तो थोड़ा आप क्या करिए बड़ा कीजिए, लगभग लगभग 100 लीटर के जितना अगर आपके पास तब मिल सकता है, तो उसमें आप एक थोड़ा सा मतलब कि मीडियम साइज जो होता है टर्टल उसमें आप रख सकते हैं। प्लांट्स को थोड़ा दूर में रखिए और साथ में एक बड़ा पत्थर भी रख लीजिए, क्योंकि टर्टल्स जो होते हैं वह एम्फीबियंस होते हैं। मैंने देखा है कई सारे लोग जो टर्टल्स को सिर्फ पानी में रखते हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, मतलब कि दिक्कत वाली बात होती है,
वो एम्फीबियंस होते हैं, तो जितना वो पानी में रहते हैं उतना ही क्या रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं। तो बड़ा सा पत्थर रखिए ताकि कर सके उसमें वो धूप सेक सके। तो वीडियो खत्म करने से पहले जो मैंने बताया था कि कोई फैक्ट बताऊंगा बहुत अच्छा सा बताने जा रहा हूँ। अपने छत्तीसगढ़ में जो अंबिकापुर में, अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट में गार्बेज कैफे है उसके बारे में जरूर सुना हो, ये तो आपको पता ही होगा, वर्ल्ड वाइड फेमस है। लेकिन क्या आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन, और जो प्लास्टिक पॉल्यूशन डंप करने में ओशन में जो डंप करते हैं उसमें दो कंट्रीज हैं, एक इंडोनेशिया और एक चाइना। इसमें से इंडोनेशिया जो गवर्नमेंट है उसने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। उसने क्या किया है, उसने ये किया है कि जो भी कोई भी जो उनके जो सिटीजन है या कोई भी जो लोग हैं वो अगर रीयूजेबल या यूजफुल वेस्ट लेके आते हैं तो उससे उनको डॉक्टर्स के पास जब वो जाते हैं तो उनको कुछ कंसेशन या कुछ हेल्प मिलने की क्या होते हैं संभावना हो जाती है। तो ये एक काफ़ी अच्छी पहल है प्लास्टिक की यूज कम करने की। प्लास्टिक कम यूज़ कीजिए, नेचर को बचाइए, और कीप वॉचिंग द फूडी गार्डनर। लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। जो सजेशंस है, फीडबैक्स है, वेलकम है। आप जो भी चीज़ बातें हैं वो आप कर सकते हैं, आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, नीचे ईमेल दिया गया है, और इंस्टाग्राम में भी जरूर से आप फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आई।